स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलद मरु मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? ए कच्चाथीवु द्वीप, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव, डी अंडमान द्वीप समूह। आंसर ए कच्चाथीवु द्वीप। एक्सप्लेनेशन: कच्चाथीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलद मरु मध्य में स्थित 285 एकड़ में फैला एक विवादित द्वीप है। ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप पर भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से दावा किया जाता था। वर्ष 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। शर्त ये थी कि भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ सकेंगे, इसका इस्तेमाल केवल वे जाल सुखाने और आराम करने के लिए कर सकेंगे, जिसके कारण ये भारत में विवादित मुद्दा बन गया। अगला प्रश्न: उस भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने फुकेट थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? ए कुंजरानी देवी, बी मीराबाई चानू, सी सतीश शिवालिंगम, डी ललिता। आंसर बी मीराबाई चानू। एक्सप्लेनेशन: दो बार की ओलंपियन और टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया है। उन्होंने सोमवार को फुकेट IWF विश्व कप में महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहकर पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित की। अगला प्रश्न: T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? ए ईशान किशन, बी दिनेश कार्तिक, सी एमएस धोनी, डी ऋषभ पंत। आंसर सी एमएस धोनी। एक्सप्लेनेशन: महान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स DC के खिलाफ हासिल की। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है, जिन्होंने अभी तक 8578 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न: हाल ही में कहां बसंत त्योहार शिग्मो महोत्सव मनाया गया है? ए हरियाणा, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी गोवा। आंसर डी गोवा। एक्सप्लेनेशन: शिग्मो महोत्सव भारत के गोवा राज्य में एक रंगीन और जीवंत वसंत ऋतु का उत्सव है। इसे शिग्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदू पौराणिक कथाओं, संगीत, नृत्य और संस्कृति का एक संयोजन है। अगला प्रश्न: हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? ए मालदीव, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत बना एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंडों का आकर्षण करता। घरेलू खरीदारी 4 वर्ष के उच्चतम स्तर पर मार्च 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने भारतीय इक्विटी में $3.63 बिलियन का भारी निवेश किया, जो दिसंबर 2023 के बाद उनकी सबसे बड़ी खरीदारी थी।